दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की तीर्थ यात्रा योजना का आगाज 12 जुलाई को करेंगे और योजना के तहत दिल्ली अमृतसर बागा बॉर्डर आनंदपुर साहिब टूर सर्किट के लिए 1000 तीर्थ यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन को रवाना करेंगे। ये जानकारी मंत्री कैलाश गहलोत ने दी है। इस योजना के तहत पूरी यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। आपको बता दें, मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि योजना के तहत अब तक 5 गलियारों का चयन किया गया है, जिसमें दिल्ली मथुरा वृंदावन आगरा फतेहपुर सीकरी दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश नीलकंठ दिल्ली अजमेर पुष्कर दिल्ली अमृतसर बागा बॉर्डर आनंदपुर साहिब और दिल्ली वैष्णो देवी जम्मू शामिल हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली वैष्णो देवी जम्मू गलियारे पर दूसरा टूर 20 से 24 जुलाई तक होगा। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सरकार सभी यात्रियों का सारा खर्चा वहन करेगी, जिसमें ट्रेन का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा आदि शामिल होगा। साथ ही उन्होंने पत्रकारों को बताया कि प्रत्येक यात्री के साथ 21 साल से ज्यादा उम्र का एक साथी भी जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में तीर्थ यात्रियों से भी मिलेंगे। अगर आपको हमारी खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक शर्मा, पंजाब केसरी दिल्ली।